आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे जाकर के लाल बटन को दबाएं और मेरे चैनल लाइकमी को सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका हो जाएगा मौर्य, मौर्य वंश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघस्थानीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेघस्थानीज की पुस्तक का नाम क्या है? देख, इसका हो जाएगा इंडिका, इंडिका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेटल में पाया जाता है? फिर से सुने। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेटल में पाया जाता है? यह हो जाएगा 68%, 68%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? यह हो जाएगा 360, 360। देखने अगला क्वेश्चन। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह हो जाएगा ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील। देखने अगला क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये हो जाएगा विक्टोरिया, विक्टोरिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? ये हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलमग्न के नियम सर्वाधिक संख्या में कितने महासागर में है? जलमग्न के नियम सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, यह जगह प्रशांत महासागर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल लाइकमे को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल लाइकमे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरे चैनल लाइकमे को